हिंदू धर्म के चार पवित्र स्थलों में से पुरी एक है। भगवान जगन्नाथ का यह पवित्र स्थल आदि काल से ही तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है, फिर चाहे वो चीन का वेनसेंग हो, गुरु नानक या श्री चैतन्य देव। शंकर के चार स्थलों में से एक यहाँ पुरी में स्थित है। पुरी में यहाँ नानक मठ भी है, जो सिखों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। गंगा वंश के राजा चौथ गंगा देव ने करीब 1000 साल पहले 265 फुट लंबे और घुमावदार पत्थर से बने इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया, जो 1199 में अनंग भीम देव द्वारा पूरा कराया गया। बाहरी शिल्पकला पर मोटा चूने का प्लास्टर किया गया है। पुजारियों के जोरदार विरोध के बावजूद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्लास्टर निकलवा दिया गया। एक हिंदू के लिए इस स्थान के दर्शन का उतना ही महत्व है जितना जगन्नाथ की यात्रा का। धार्मिक स्थल पुरी में पूरे साल ही त्योहारों का सा माहौल रहता है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में 12 महीनों में 13 त्योहार होते हैं। झुलाना यात्रा के दौरान भगवान को सजे हुए झूले पर बैठाया जाता है। चंदन यात्रा में भगवान को कश्ती में घुमाया जाता है और रथ यात्रा के भव्य समारोह में उन्हें 3 खूबसूरत रथों में घुमाया जाता है, जिसका श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि वो भगवान जगन्नाथ की रथ में बैठे हुए एक झलक पा सकें और इस तीर्थ यात्रा के लिए वो पूरे साल पैसे बचाकर यहां आते हैं। पुरी में सदियों पहले देवदासी की परंपरा शुरू हुई, जो नृत्य और गायन द्वारा भगवान जगन्नाथ की सेवा करती थी। रथ यात्रा के दौरान संगीतज्ञ और नृतक दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए यहां आते हैं। एस्कॉन श्रद्धालु भी भगवान जगन्नाथ के दर्शनों की झलक के इंतजार में बड़ी संख्या में यहां आते हैं, क्योंकि हिंदू ना होने के कारण मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित होता है। बनारस और वृंदावन की तरह ही हिंदू विधवा स्त्रियां अपने जीवन का बाकी समय यहां बिताना पसंद करती हैं, और खास तौर पर कार्तिक के पवित्र महीने में। पुरी में जगन्नाथ के बाद जिसका सबसे ज्यादा महत्व है वो है पुरी के राजा, जिन्हें गजपति कहा जाता है। उन्हें भगवान जगन्नाथ का जीवित प्रतिनिधि माना जाता है। गुड मॉर्निंग मेट्रो के लिए पुरी से अलका चौधरी।